अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अकेली शिबना के किचन में आपका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको हयाती तंदुरुस्ती दे। मैं यहाँ बना रही हूँ कस्टर का शरबत बना रही हूँ, कस्टर शरबत बना रही हूँ। ये जो रमज़ान स्पेशल है हमारा, तो मैंने यहाँ एक लीटर दूध ले लिया है। चलिए, मैंने यहाँ गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, मैंने दूध की पतीली रख दी है, दूध डाल दिया है इसमें। यही हम यहाँ पर डालेंगे। ड्राई फ्रूट ले लिया है, मैंने लिया है 15 से 16 पिस्ता ले लिए हैं, और यही हमारे 15 हमने ले लिए हैं बादाम, 4 हरी इलायची है। इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, पाउडर बनाएंगे। यहाँ दूध गर्म हो रहा है, यहीं मैं शक्कर डाल रही हूँ। ये मैंने 4 टेबल स्पून शक्कर डाला है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको मीठा कितना चाहिए है। तो मैंने 4 टेबल स्पून शक्कर डाला है इसमें। शक्कर डाल के अच्छे से मैं चला लूँगी इसे। गैस का फ्लेम हमें स्लो ही रखना है, फास्ट नहीं करना है। यहाँ देखिए, मैंने ड्राई फ्रूट को मिक्सर के जार में अच्छा सा फाइन पाउडर कर लिया है, एकदम पीस लिया है बारीक। मैंने 1/2 कप दूध ले लिया है, ये रूम टेम्परेचर है। इसी में मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर है, ये वेनिला फ्लेवर है। आपको जो भी फ्लेवर पसंद है आप वो डालिए। मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। यहाँ देखिए, दूध में उबाल आ गया है, दूध अच्छे से पक गया है हमारा। इसमें मैं डालूंगी जो हमने ड्राई फ्रूट का जो पाउडर बनाया था, मैं वो डालूंगी इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। 1 टेबल स्पून सब्जा लिया है, इसमें 1/2 कप पानी डालूंगी। 1/2 कप इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। इसे भिगा के रख लेंगे। पंद्रह मिनट तक इसको भिगा के हम ढक के रख देंगे। मैं इसे कवर करके रख, यहीं देखिए दूध पक गया है हमारा। इसमें अभी कस्टर्ड जो हमने पानी में घोल के रखा था वो डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। कैसे लम्स ना बने। थोड़ा 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 करके डालते रहेंगे हम। 10 मिनट तक इसे पकाना है हमें। इसे मुझे 10 मिनट तक पकाना है कि दूध भी सारा हमारा गाढ़ा हो जाएगा और इसमें से हमारे कस्टर्ड पाउडर की जो बास है वो भी निकल जाएगी। गैस का फ्लेम हमारा स्लो ही है, स्लो पे ही पकाना है, फास्ट नहीं करना है, स्लो फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। देखिए, 10 मिनट हो गए हमें इसे पका के। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा कर देंगे। यहाँ देखिए, ये ठंडा हो गया है, मैंने बाउल में ट्रांसफर कर दिया था। इसे मैं अभी सब्जा डाल दूंगी जो हमने भिगा के रखा था, ये सब्जा, ये अभी इसमें डाल रही हूँ मैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस दूध में ये सब्जा है ये नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। ये जैसा हम चौपाटी पे जो पीते हैं मिल्क मसाला, वो सेम वही फ्लेवर देगा आपको ये बिना सब्जी का। तो आप वैसे भी पी सकते हो ये बिना सब्जी का। और यही मैं थोड़ी सी जेली डाल रही हूँ। जेली जमाने का टाइम नहीं था तो मैंने रेडीमेड ली है, जैसे ये रेडीमेड मिलती है ऐसी। तो मैंने ये 12 जेली के ये ले लिया था पाउच, और मैंने यही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लिया है। तो मैंने इसी को कट कर दिया है बारीक बारीक कटिंग करके, और यही डाल रही हूँ मैं जेली। इसमें सारी जेली डाल दी मैंने, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इतना मस्त लग रहा है हमारा, पीने में भी वाकई बहुत ही अच्छा टेस्टी है, एकदम ही यम्मी है। तो चलिए, मैं इसको गिलास में निकाल लेती हूँ। मैं अभी इसे फ्रीजर में रख दूंगी चिल करने के लिए, उसके बाद में हम गिलास में निकालते ही डिश आउट करती हूँ मैं। चलिए, ये शरबत तैयार हो गया है, मैं इसे रख देती हूँ चिल होने के लिए। 15 से 20 मिनट चिल होने के लिए रखती हूँ, तो फिर मैं आपको इसका टेस्ट। चलिए, मैं गिलास में निकाल रही हूँ, ये शरबत हमारा रेडी एकदम है। गिलास में निकाल रही हूँ,
ये देखिए शरबत हमारा रेडी है, ये हमारा स्पेशल रमजान शरबत तैयार हो गया है। अगर मेरा आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मेरी रेसिपी पसंद आती है लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।